पीएचसी सुजोली में सेवा पखवाड़ा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। सीएचसी अधीक्षक व वन क्षेत्राधिकारी समेत युवाओं ने किया रक्तदान। बहराइच मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। बहराइच जिले के भारत नेपाल सीमा के नज़दीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजोली में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बहराइच मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर अली मेहंदी, नूर मोहम्मद, ज्ञानेंद्र वर्मा, वैभव मिश्रा, अनिल कुमार, ओम प्रकाश, प्रहलाद शुक्ला समेत कई स्वास्थ्य कर्मियों ने सुजोली पहुंचकर कैंप लगाया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर के सीएचसी अधीक्षक अनुराग वर्मा व वन क्षेत्राधिकारी कतनिया घाट रेंज अनूप कुमार भी रक्तदान शिविर में पहुंचे और रक्तदान किया। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक ने रक्तदान के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रधान सुजोली राजेश गुप्ता ने भी रक्तदान के प्रति जागरूक किया। रक्तदान के महापर्व में हम रक्तदान करके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। आपके रक्त से लोगों का जीवन बचेगा, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आके इस शिविर के महाकुंभ में और रक्तदान करें, ताकि जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता है उनको आपके रक्त से जीवनदान मिल सके। यहाँ पर किस तरीके से होगा? जी, हमारी प्लानिंग ये है कि हम अपने यहाँ जो बहराइच का ब्लड बैंक है वहाँ पे ब्लड काफ़ी यूनिटी एक्सचेंज होता है। मंडल में सबसे ज़्यादा ब्लड अपने यहाँ जा रहा है, लगभग हम तो समझते हैं 40 से 50 ब्लड पर डे एक्सचेंज होता है, जिसमें हमें प्लेटलेट डेंगू की वजह से प्लेटलेट काफ़ी देने पड़ रहे हैं और थैलीसीमिया पेशेंट बढ़ गए हैं। तो इस नाते हमने ये प्लान किया कि सीएमओ साहब के साथ हमने प्लान किया कि सीएससी और पीएससी स्तर पर कैंप लगाया जाए। तो सीएमओ साहब ने काफ़ी हेल्प करी और हमें सीएससी पे कुल मिला के 130 यूनिट ब्लड। एक पखवाड़ा चला था, आयुष्मान भवा पखवाड़ा, जो सितंबर से लेके ये अक्टूबर तक का कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम के तहत हमने एक कैंप लगाया और सारे सीएससी पीएससी पे हमने ब्लड डोनेशन के लिए बात करी, जिसमें सुजौली में डॉक्टर अनुराग सर ने हमें ब्लड डोनेशन कैंप के लिए काफ़ी मतलब मोटिवेट किया और हम यहाँ पे कैंप के लिए आ जाएंगे। तो आज आप लोगों का सुजौली में क्या टारगेट है, कितने लोगों का लगभग यहाँ पर हो जाए? हमें सुजौली में टारगेट है कि लगभग 10 के ऊपर हम ब्लड डोनेट करेंगे यहाँ पे, और जो लोग ब्लड दिए हैं वो मोटिवेट होंगे कि ब्लड देने के बाद फ्रेशनेस आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और जो ब्लड नहीं भी दिए हैं वो देख करके जागरूक होंगे कि ब्लड हमें रक्तदान करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ होते हैं और दूसरे की जान बचाने में मदद भी करते हैं। अच्छा, रक्तदान है तो बहराइच जिले की जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ, रक्तदान है तो बहराइच जिले की जनता को ये अपील करना चाहिए कि रक्तदान ब्लड किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, और एट ए टाइम जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम घबरा जाते हैं कि हम ब्लड दें या न दें। उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, और वहाँ पे हमारी टीम पहले उनका फिटनेस देखती है कि वो फिट है कि नहीं, उसके बाद डोनेट करती है। अच्छा, क्या इसके बारे में कोई जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है? जी, जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जैसे कि माँ अक्टूबर में, अभी अक्टूबर में चलाया गया था, जुलाई में चलाया गया था, तो इसमें हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए जागरूक हों और स्वयं भावी रक्तदाता के रूप में अपना पंजीकरण भी कराएँ, रक्तदान भी करें। देखिए, रक्तदान को महादान की श्रेणी में रखा गया है और ये जो सुजौली में कैंप आयोजित हुआ है, इसमें मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर रक्तदान करें। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने यहाँ पर रक्तदान शिविर में सहयोग किया, और मैं यहाँ की जनता से अपील भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, इससे कोई परेशानी नहीं होती है। मैंने अभी खुद रक्तदान किया है, कोई परेशानी मुझे नहीं हो रही है। मैं आप लोगों सभी से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें। अच्छा, ये बताइए, क्या सीएससी क्षेत्र में इसी तरीके के और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा? हाँ, भविष्य में ये रक्तदान के शिविर के आयोजन होते रहेंगे। आज यहाँ हुआ है, सीएससी में नीपुरवा में भी होगा, और जरूरत पड़ी अगर यहाँ की जनता की डिमांड होगी तो यहाँ दोबारा। कि आप लोग जानते हैं कि इसमें सेवा पखवाड़ा चल रहा है, माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो है, तो हमारे सुजौली में जो है आज रक्तदान शिविर लगा है। इसमें लोगों से आग्रह किया गया कि आके रक्तदान करें। रक्तदान सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा महापर्व के रूप में आज सुजौली में हमारे पीएससी सेंटर में मनाया जा रहा है। मैं इससे पहले 8 से 9 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, ये हम सभी को करना चाहिए, जैसे कि ज़रूरत के वक्त ये सबसे अहम ज़रूरत होती है जो ब्लड के द्वारा पूरी की जा सकती है और किसी के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है।